मैं रेहान भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। आज की तारीख में न केवल भारत बल्कि भारत से बाहर, इंडिया से बाहर आप कहीं भी चले जाइए, 2017 में मैं दुबई के अंदाज़े बयां के मुशायरे में आया था। अंदाज़े बयां का दुबई का वो मंच जिसने पूरी दुनिया में मुझे पहुंचाया, पूरी दुनिया में। आप सोच नहीं सकते हैं कि किसी वीडियो को कितना देखा जा सकता है। मेरी बड़ी बहन यहाँ पे साजिया जी बैठी हैं, ये लोग वो लोग हैं जिसको भी दाद दे देते हैं वो शायर बन जाता है। आप लोग जब जिस शेर पर आप उछल उछल के आप दोनों दाद देते हैं वही पूरे हिंदुस्तान में कोट किया जाता है। सच बता रहा हूँ, यह कैमरामैन इसी चीज़ को नोट करता रहता है, एडिट करके फिर वही वीडियो लगाई जाती है जिस पर इन्होंने दाद दी होती है, वही वीडियो फिर पूरे हिंदुस्तान में चलती है। लोग ये देखना चाहते हैं कि ये कैसा दाद देते हैं। बहुत अच्छे शिखर भाई, वाह वाह वाह। ये हमारे अबू रहमान साहब, सर आपका बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस महफिल में आपने मुझे बुलाया। और जब से ये महफिल शुरू हुई है एक चीज़ मैंने बहुत मन से नोटिस किया कि आपने अपनी माता जी को ये महफिल डेडिकेट की है। मतलब मैं सच बता रहा हूँ, मुझे इसकी इतनी खुशी है, मैं माता जी को यहीं से चरण स्पर्श करके प्रणाम करता हूँ और उनसे आशीर्वाद की कामना करता हूँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद। देवताओं का भी सम्मान यही होती है, देवताओं का भी सम्मान यही होती है, माँ न हिंदू न मुसलमान कभी होती है। तालियां बहुत कमज़ोर थी आपकी, इतने कमज़ोर तालियों में मेरी बात बनेगी नहीं। चलिए मैं शुरू होता हूँ, सभी को प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छा डाइस है ये कवि सम्मेलन, ये मुशायरा बहुत ऊंचा तक चला गया है। मैं कोशिश करूँगा थोड़ी देर तक इसको हम ज़मीन पर लेकर के आते हैं जी। भाई साहब, सर प्रणाम। शंभू भाई, मैं आज जब यहाँ पर आया हैदराबाद में, मेरे विषय में बताया, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। सर वहाँ शराब बंद हो गई तो मैं दिल्ली रहने लगा। अब दिल्ली वाले खुद ही एक एक करके बंद हो रहे हैं। अरे वाह वाह वाह, है ना भाई साहब। मैं सच बता रहा हूँ आपको, मैं आज जब हैदराबाद एयरपोर्ट पर उतरा तो सीन मेरे साथ जो हुआ उसने कमाल कर दिया। मैं एयरपोर्ट के बाहर निकला तो मैंने देखा दो आदमी आपस में आधे घंटे से गाली गलौज कर रहे थे। आधे घंटे में पूरा जाम लग गया, मुझसे रहा नहीं गया, मैं गाड़ी से उतरा, मैंने उन्हें समझाया, तब मारपीट हुई मेरे साथ। वो मुझे पकड़कर बुरी तरह धुनने लगे, मैंने फिर समझाया तो अच्छी तरह धुना। धुनने धुनने पर होता है, चार लाइनें आपको सुनाऊंगा और आप यकीन मानिए आप सबको मजा आ जाएगा। एक बार बस मैं आपको बताऊं, यहाँ हैदराबाद में आकर के मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि मैं कहीं दूर आया हूँ। बिहार के बहुत लोग मिले मुझे यहाँ पर, बहुत लोग यहाँ पर, यहाँ भी दो चार तो होंगे ही, बहुत सारे। देखिए इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, सच बता रहा हूँ, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। मुझसे तो एक यहाँ पे पूछ रहे थे बैठे बैठे, यार एक बात बताओ शंभू भाई, ये ज़्यादातर बिहारी IAS IPS UPSC क्यों क्रैक करते हैं। मैंने बताया यार देखो जितना तुम्हारे अंदर दिमाग है ना उतना तो हमारा खराब रहता है। तो हमारा तो मामला बिल्कुल अद्भुत है। मैं बस दो चार मिनट लगेंगे, आप यकीन मानिए जितने लोग भी सुन रहे हैं, जो लोग उठकर चले गए हैं उन्हें बाद में अफसोस होगा, हालांकि वीडियो में देख करके उनको बड़ा मज़ा आएगा। लेकिन आप इन चार लाइनों को सुनिए और जो भी मेरे पास अच्छा अच्छा है वो सब कुछ आपको सुनाता हूँ। आप लोगों ने सुना होगा बार बार वो, एक 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 बात बस करता हूँ, उसके बाद फिर मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। मैंने पिछले दिनों रेहान साहब मोदी जी से पूछा, यहाँ पे कुछ कांग्रेस के लोग भी होंगे, नहीं नहीं मैं उन पे कुछ नहीं कहूँगा, पता नहीं कब भाजपा ही हो जाए। भाजपा के भी होंगे, वो कब कांग्रेसी हो जाएं, तो इसलिए मैं नेता पर कुछ नहीं कहता। अभी चुनाव चल रहे हैं 5 स्टेट में, आप सबको पता है कई चरणों में चुनाव है। हैदराबाद के लोगों, चुनाव सिर्फ 2 चरण में होते हैं, ये कहने की बात है कि इलेक्शन कमीशन 5 चरण में 10 चरण में चुनाव करवा रहा है, सिर्फ 2 चरण में होते हैं। पहले चरण में नेता जनता के चरणों में होता है,
और दूसरे चरण में जनता नेता के चरण ढूंढती रहती है। बहुत अच्छे, वाह वाह, कोई चरण नहीं होता। धन्यवाद। बहुत सारी महिलाएं मुझे देख करके हंस रही हैं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। पिछले 6 महीने से रेहान साहब मैं नोटिस कर रहा हूं, बहुत सारी महिलाएं मुझे देख देख कर घूरती रहती हैं। दरअसल वो मुझे देख करके सोचती रहती है, चलो अपना वाला तो ढंग का है। नहीं, मैं बता रहा हूं आपको, एक ब्यूटी पार्लर के बाहर मैंने एक लाइन लिखी हुई देखी थी। एक शेर आप सबने सुना होगा, हमारे मुशायरे कवि सम्मेलनों में बहुत कोट किया जाता है। वो शेर है कि खोल लेते दिल अगर हंस बोल कर यारों के साथ, तो हमें ना खोलना पड़ता यूं औजारों के साथ। आपने बहुत सुना होगा। मैंने एक ब्यूटी पार्लर के बाहर एक लाइन लिखी हुई पढ़ी, लिखा था, सत्यम छुपम तब दिखम सुंदरम। मैं कई दिन तक हंसता रहा। शादी के ठीक 5वें दिन जहां से पत्नी तैयार होकर के आई थी, वो आदमी गया और जा करके उसने ब्यूटी पार्लर वाले को एप्पल का मोबाइल गिफ्ट किया। ब्यूटी पार्लर वाले ने उस डिब्बे को खोला, उसमें से नोकिया 1100 निकला। तो ब्यूटी पार्लर वाले ने पूछा, भैया ये क्या मजाक है? बोला, वही जो तुमने मेरे साथ किया है। इसी मजाक पे पूरा सब कुछ चलता रहता है। मैं 4 लाइनें आपको, देखो सर मैं आपको बता रहा हूँ, ये ना हम पे इतने आरोप लगाती हैं महिलाएं, इतने आरोप लगाती है कि हम बेढंगे से रहते हैं, नहाते धोते नहीं। हम लोग हफ्ते में एक दिन या महीने में एक दिन के लिए भी अगर नाई की दुकान पर जाएं, दाढ़ी बनवा करके आएं, बाल बनवा करके आएं, कुछ भी करके आएं, आते ही हम सबसे पहले नहाते हैं। साजिया जी, मैंने आज तक एक भी औरत ऐसी नहीं देखी जो ब्यूटी पार्लर से आने के बाद मुंह भी धोती हो। एक भी नहीं देखी। मैं सच बता रहा हूं सर, यहां पे बहुत बिहारी है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, सारा कसूर हैदराबाद के लोगों का। ये बड़े बड़े पांडाल लगाते हैं, कीर्तन मंडली बुलाते हैं, भजन करवाते हैं, राधे राधे जपो, चले आएंगे बिहारी। अब कलयुग में वो बिहारी आ नहीं सकते, हमें ट्रेनों में ठुस ठुस कराना पड़ता है। मैं इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे गया, मैंने जाकर पूछा, टीवी कितने का दे रहे हो? बोला, जी हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा, तुझे कैसे पता लगा? बोला, निकल यहाँ से। अगले दिन मैं सूट बूट हैट नकली मूछे। मैंने कहा, ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोला, तुझे कल भी मना किया था। अगले दिन मैं बुरका में चला गया। मैंने कहा, भैया ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोला, भाई साहब आपको 2 दिन से मना कर रहा हूँ, हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा, ठीक है मत दे, लेकिन ये बता तुझे पता कैसे लगता मैं बिहारी हूँ? बोला, बेटा जिसे तू टीवी कह रहा है वो माइक्रोवेव है। ये जो माइक्रोवेव को टीवी बताने का कॉन्फिडेंस बिहार लेकर के आया, दुनिया में सबसे ज्यादा ईमानदार नेता हमारे बिहार के आदरणीय लालू प्रसाद यादव, जिस जेल का उद्घाटन किया, खुद उसमें बंद रहे। ये होती है उद्घाटन की जिम्मेदारी। और मैं अगली एक टिप्पणी में पूरी महफिल आप लोगों के हवाले कर दूंगा। पिछले दिनों सर चीते आए, तो मैंने चीते से पूछा, मैंने कहा, तुम भारत आ रहे हो, इंडिया आ रहे हो, चीतों तुम्हें यहां आते हुए डर नहीं लग रहा? बोले, नहीं, हम वहीं से बीजेपी ज्वाइन करके आए हैं। और जिन चीतों ने मुझे देखकर सीटी किसने बजाई? मैं सच बता रहा हूं, अपनी आंखें चेक करवाओ, मैंने खाली बाल बड़े किए हैं। 4 सुनना, बताओ मुझे देखकर सीटी, इतनी इतनी किस्मत थोड़ी खराब है। 4 लाइन सुनना, आप लोग मजे लेना, बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हो, मजा। मैं पिछले दिनों दुबई गया था, जिस कार्यक्रम में मुझे रेहान भाई ने बुलाया था, और सच बता रहा हूँ उस कार्यक्रम का मैं आज तक अपने ऊपर जो है एक एहसान मानता हूँ। तो और कई चीज़ ऐसी होती है हमारे पास जिसका कुछ बस क्लिक कर गया वहाँ से, ऐसा कि पूरी दुनिया में मैं छा गया। लेकिन मैं आपको बताऊँ, दुबई पे मैंने सर 3 लोग मुझे, मैं जब गया तो 3 लोग मुझे मिले थे वहाँ पे। मैंने देखा 3 आदमी, एक अमेरिका का, एक दुबई का और एक हैदराबाद का। अब आप कहोगे कि वह हैदराबाद का ये तुमने कैसे पहचाना? भाई यूपी का भी हो सकता है, महाराष्ट्र का भी हो सकता है, हैदराबाद का है कैसे पता? उसकी हरकतों ने मुझे बता दिया कि हो ना हो ये हैदराबाद का ही है। 3 लोग चाय पी रहे थे, एक अमेरिका का, एक दुबई का और वो एक हैदराबाद का। चाय खत्म करते अमेरिका के व्यक्ति ने कप को उल्टा रख दिया, दुबई वाले ने सीधा रख दिया। अब उस तीसरे ने देखा, इसने उल्टा रखा, इसने सीधा रखा, हमें कुछ अलग करना चाहिए। उसने कप को बड़ी मुश्किल से आड़ा करके टिकाया, तो दोनों हंसने लगे। बोले, ये क्या किया? बोले, पहले तुम बताओ। बोला, कुछ नहीं, अमेरिका वाला मुझे चाय और नहीं चाहिए, इसलिए मैंने कप को उल्टा रख दिया।
दुबई वाला बोला देखो मुझे चाय और चाहिए, इसलिए सीधा रख दिया। अब वो हैदराबाद का बोला भैया और चाय है तो दे दो, नहीं है तो रहने दो। चाय खत्म करते अमेरिका के व्यक्ति ने कप को हवा में उछाला, जेब से रिवॉल्वर निकाली और उड़ा दिया धाएं। बोले ये तुमने क्या किया? बोले हम अमेरिका वाले जिस कप में एक बार चाय पी लेते हैं उसमें दोबारा चाय पीते नहीं। अब इतना सुनते ही वो दुबई वाले ने सोफा उछाल दिया, रिवॉल्वर निकाला, उड़ा दिया। बोले तुमने क्या किया? बोले हम दुबई वाले जिस सोफे पर बैठ कर एक बार चाय पी लेते हैं फिर उसमें कभी दोबारा चाय नहीं पीते। सर वो हैदराबाद वाला, उसने निकाला कट्टा, उसका रिवॉल्वर से क्या लेना देना। उसने एक मारा अमरीका वाले को धाएं, एक दुबई वाले को धाएं, तो मैंने ही पूछा, वो तो बचे ही नहीं थे। मैंने कहा भैया ये तुमने क्या किया? बोले हम हैदराबाद वाले जिसके साथ बैठकर एक बार चाय पी लेते हैं फिर उसके साथ कभी दोबारा चाय पीते ही नहीं है। बहुत मामला बिल्कुल अद्भुत है। मैं इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे गया, सच बता रहा हूं आपको, आप लोग जितनी मस्ती से सुन रहे हैं, मैंने अखबार में एक विज्ञापन देखा, लिखा था घर बैठे मिठाई मंगवाइए। मैंने कहा ये पिज्जा बर्गर तो खूब मंगाया, मिठाई कैसे मंगवाएंगे। अच्छा मैं अभी दुबई के बाद अभी मैं अमेरिका गया था, 10-12 दिन पहले मैं वहीं था। मैं वहाँ पे ये धोती कुर्ता पहन के घूम रहा था टाइम स्क्वाड पे, एक अंग्रेज आ गया पीछे से, बोला व्हाट इज दिस? मैंने कहा धोती। बोला व्हाट धोती? मैंने कहा फुली एयर कंडीशनर। हाँ ये चार लाइन सुनना, मैंने अखबार में विज्ञापन देखा, लिखा था घर बैठे मिठाई मंगवाइए। मैंने कहा पिज्जा बर्गर तो खूब मंगाया, मिठाई कैसे मंगवाएंगे। तो मैंने अखबार में दिए हुए नंबर पर कॉल किया, उधर से कंप्यूटर रहा रिकॉर्डेड आवाज आने लग गई। बोले जी नमस्कार, अग्रवाल स्वीट कॉर्नर पर आपका हार्दिक स्वागत है। मिठाई लेने के लिए एक दवाइए, चाट पापी के लिए दो दवाइए, गजक नमकीन के लिए तीन दवाइए, गोलगप्पों के लिए चार। मुझे मिठाई चाहिए थी, मैंने एक दवा दिया, सब कुछ एक ही दुकान पर मिलती है। मैंने जैसी एक दवाई वो फिर से शुरू हो गए। बोले लड्डू लेने के लिए एक दवाइए, बर्फी लेने के लिए दो दवाइए, जलेबी लेने के लिए तीन, रसगुल्ले के लिए चार। मुझे लड्डू चाहिए था, मैंने फिर एक दवा दिया। बेसन के लड्डू लेने के लिए एक दवाइए, मोती चूर के लड्डू लेने के लिए दो दवाइए, तिल के लड्डू लेने के लिए तीन दवाइए, गोंद के लड्डू लेने के, मुझे बेसन के चाहिए था, मैंने फिर एक दवा दिया। एक किलो लेने के लिए एक दवाइए, दो किलो लेने के लिए दो दवाइए, तीन किलो लेने के लिए तीन, 100 किलो के लिए चार। एक दवा ना था, गलती से चार दब गया। मैंने वही किया जो आप लोग करते, तुरंत ही फोन काट दिया। एक मिनट बाद कॉल लगाए, आ गई, बोले जी नमस्कार, हम अग्रवाल स्वीट कॉर्नर से बोल रहे हैं, आपके यहाँ से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर आया है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है। मैंने कहा अरे तो फंस गए, लेकिन बिहारी आदमी फंसता नहीं है, फंसाता भी नहीं है, बीच का रास्ता निकालता है। बोले जी जल्दी बताइए, आपके यहाँ से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर आया है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है। मैंने कहा देखो भाई ये फ़ोन किसने किया मुझे तो पता ही नहीं, घर में हम 9 भाई हैं, सबसे बड़े वाले से बात करने के लिए एक दवाइए, उससे छोटे से बात करने के लिए दो दवाइए, उससे छोटे से बात करने के लिए तीन दवाइए, और जब तक असली वाला ना मिल जाए तब तक दबाते जाइए, दबाते जाइए, दबाते जाइए, दबाते जाइए। आप लोग जिस मस्ती से सुन रहे हैं, आज जो एक कमाल हुआ, सच बता रहा हूँ आपको, आज सच में कमाल हुआ। मैं जिस आपने इतना बढ़िया होटल में रुकवाया था, सब लोग उस होटल में इतने खुश थे कि मैं चाय पीने बाहर आ गया, चाय पीने में बाहर आया सर, तो मैंने देखा चाय वाले से कहा भाई चाय दे, उसने चाय दिया, तो एक कुत्ता आ गया मेरे भीतर, जो कुत्ते को देख करके लगा कि यार इसे कुछ देना चाहिए। मैंने तुरंत ही चाय वाले से एक बिस्किट का पैकेट मांगा, उसमें से मैंने एक बिस्किट निकाला और कुत्ते की तरफ फेंका, कुत्ते ने तुरंत लपका, और बिस्किट लपकते ही उसने अलट पलट अलट पलट अलट पलट 1 मिनट में 12 बार पलटी खाई। तो मैंने चाय वाले की गिरवान पकड़ ली, मैंने कहा भाई ये तूने क्या मिला दिया था बिस्किट में, ये तो शुक्र है कि मैंने पहले नहीं खाया, नहीं तो मैं भी अलट पलट करता। वो चाय वाला बोला भाई साहब मुझे मत डांटो, बिस्कुट पतंजलि का है। बहुत अच्छे, वाह वाह। तो यही बात है कि बिस्कुट पतंजलि का है, खाते ही अनुलोम विलोम कपाल भाती सब एक साथ करने लग गया। ये महिलाएं इतना हंस रही हैं, घर पर भी ऐसी रहा करो। अगर ये घर पर ही इतना खुश रहेंगे तो काहे को आप लोग इतना पैसा खर्च करके हमें बुलाओगे, बाहर आकर के हंसोगे। वाह वाह, ये चार लाइन सुनना, मैंने बताया था ना मुशायरा बहुत ऊपर तक चला गया है, इसको नीचे लाना पड़ेगा, आराम से मैं वही कर रहा हूँ। ये चार लाइन सुनना आप सबको मजा आ जाएगा, आप लोग सच में बहुत अच्छा सुन रहे हो, और इतना अच्छा मुझे मतलब इतनी देर में बुलाएगा, मैं बैठे बैठे सोच रहा था कब मेरा नंबर आएगा, कब मेरा नंबर आएगा, कब मेरा नंबर आएगा। अब ये चार लाइन सुनना, बहुत सारे लोग आजकल रील्स बनाते हैं, रील्स बनाने वालों की एक लाइन लगी हुई है, मैंने चार लाइनें उन रील्स लगाने वालों का, अच्छा साउंड वाले कहाँ पे हैं, पीछे हैं, देखो इसका थोड़ा सा ना आवाज़ ठीक कर देना, बहुत वैसे अच्छा है,
दरअसल क्या है कि ये सब सुर में गाते हैं, मैं महिषासुर में गाता हूँ। तो चार लाइनें आपको सुनाता हूँ रील्स बनाने वालों के लिए। कि लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए, लेनी थी जीत हमने मगर मात। एक ये भाई साहब मेरा वीडियो बना रहे हो, आपको पता नहीं मेरा डिजिटल कैमरे से भी नेगेटिव आता है। बताओ आप मेरी वीडियो बनाओगे, घर जाके भाभी जी को दिखाओगे, वो जूम कर करके मुझे देखेगी, आपको अच्छा लगेगा। लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए, कितने हसीन देखिए जज्बात ले लिए। दूल्हा बेचारा रील बनाने में रह गया, दुल्हन ने फेरे पंडित जी के साथ ले लिए, दुल्हन ने फेरे पंडित जी के साथ ले लिए। ये चार लाइन सुनना, आप सब पढ़े लिखे लोग, आप सबको आनंद आ जाएगा इन चार लाइनों पे। कि वादा जो करो उससे तो इतना ना निभाना, वादा जो करो उससे तो इतना ना निभाना, पड़ जाए लेने देने ना कोई राज बताना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो ठीक है, भूले से भी पत्नी को SDM ना बनाना, भूले से भी पत्नी को SDM। मैं आपको बता रहा हूं, अभी मैंने अपनी सगी पत्नी से पूछा, नहीं सच बता रहा हूं रेहान साहब, सगी पत्नी से पूछा, सगी से ही पूछ सकते हो, बाकी से तो पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ती। मैंने अपनी सगी पत्नी से पूछा, मैंने कहा क्या मैं तुम्हारे सपनों में आता हूं? बोली नहीं, मैं हनुमान चालीसा पढ़कर सोती हूं। तो मामला अपना अद्भुत है। ये चार लाइन सुनना, ये आप सब बहुत अच्छा सुन रहे हो। कि भगवान मेरा साथ आप यूं भी निभाना, किस्मत के खेल में मुझे ऐसे भी जिताना, सलमान के जैसे भले बीते ये जवानी, लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बनाना, लेकिन बुढ़ापे में। आप लोगों ने बार बार सुना होगा 56 इंच का सीना, 56 इंच का सीना आप सबने सुना होगा। अब मैं साहब इसको चार लाइनों में आपको 56 इंच का मजा देता हूं। कि चेहरे पे एक रुआब नया चढ़ ही जाता है, इतिहास में मुकाम नया गढ़ ही जाता है, शादी के बाद भी अगर साथ ना रहे, सीने का नाप इंच इंच बढ़ ही जाता है, सीने का नाप इंच इंच बढ़ ही। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आई तो पहला काम किया एंटी रोमियो, जैसे जूलियट की गलती ना हो, आधार कार्ड मिलवा के पीटे जा रहे थे। मैंने चार लाइनें लिखी। कि जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, कलियों के पास भवरे को जाने नहीं देते, इतनी सी शिकायत है हमें योगी आपसे, खुद से न पटी हमको पटाने नहीं देते, खुद से न पटी हमको, खुद से न। और जो विशेष फरमाइश की गई है कि चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं, इस गजल के सारे शेर अद्भुत है। चीनी को, मैं बता रहा हूं सच बता रहा हूं, मैं तो अद्भुत ही कवि हूं। क्लास में अध्यापक आए, बोले कौन बेवकूफ है खड़ा हो जाए, तो मैं ही खड़ा हो गया। बोले तुम बेवकूफ हो, मैंने कहा नहीं सर आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते हो। चीनी को जमा, हालांकि सर भी खड़े हो गए। कि चीनी को जमा करके फिर से, मैं आपको सच बता रहा हूं, पिछले दिनों मोदी जी गए थे नासा, वैज्ञानिकों ने 2 मिसाइलें दी, मोदी जी ने पूछा इन मिसाइलों का मैं क्या करूंगा, वैज्ञानिक बोले सर आपको तो आदत है फेंक देना। चीनी को जमा कर, आपकी दांत बहुत कमजोर है दोस्तों, इतने कमजोर दांत में मजा नहीं आएगा। चीनी को जमा करके फिर से, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने पिछले दिनों मोदी जी से पूछा मोदी जी आपकी नीयत क्या है, मोदी जी बोले मेरी नीयत पाक साफ है। चीनी को जमा करके फिर से, आपको इन चार लाइनों पे और ज्यादा मजा आ जाएगा जो मैं आपको सुना रहा हूँ। हिंदी के अध्यापक आए, और ये देखो हास्य व्यंग क्या होता है, पूरे मंच का पूरे डाइस का आशीर्वाद चाहूंगा। हिंदी के अध्यापक आए, बिल्कुल नया सुनना रेहान सर,
और पूछ लिया माल्यार्पण किसे कहते हैं। मैंने कहा जब सरकार हमारी सारी संपत्ति जोड़कर मालिया को अर्पित कर दे तो उसे माल्यार्पण कहते हैं। चीनी को, वो हिंदी वाला फिर आ गया, बोला लड़की में बड़ी की मात्रा है कि छोटी की। मैंने कहा पहले लड़की दिखाओ, लड़की बड़ी हुई तो बड़ी की, छोटी हुई तो भी बड़ी की, हमें तो लड़की देखने से मतलब। चीनी को, वो गणित वाला आ गया, बोला मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपये 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दिए तो 10 दिन बाद कितना लौट आएंगे। मैंने कहा वो नहीं लौट आएंगे। बोले क्यों, तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते। मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी को नहीं जानते। चीनी को जमा करके, वो गणित वाला गया ही नहीं। बोला दशमलव किसे कहते हैं। मैंने कहा जब लगातार 10वीं बार लव हो जाए। चीनी को, गणित वाले ने फिर पूछा, बोले एक्स की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। चीनी को जमा करके, दादा भी हंस रहे हैं, दादा आपको भी एक्स की वैल्यू पता है। चीनी, हालांकि इस उम्र तक आते आते आदमी को डबल एक्स की वैल्यू भी पता चल जाती है। चीनी को जमा करके फिर से, मैं सच बता रहा हूं आपको, वो एक टीचर ने पूछ लिया, बोले कोई लड़की तुम्हारा मन चुरा ले उसे क्या कहेंगे। मैंने कहा मंचूरियन। चीनी को जमा कर, मेरा दोस्त बोला सर मौका लगे तो शादी कर ले। मैंने कहा मौका ही लग जाए तो शादी करके क्या करूंगा। चीनी को जमा करके फिर से, सर आंसर, मेरे पड़ोस में रोज एक लड़की नागिन डांस करती थी, रोज नागिन डांस करती थी। एक दिन मैंने घंटी बजाई, वो बाहर निकल करके आई। मैंने पूछा तुम ही रोज नागिन डांस करती हो, बोली हाँ। मैंने कहा कभी डस भी लो। चीनी को जमा करके, अच्छा आप लोग जितना मजे ले रहे हो ना, अंग्रेजी के अध्यापक आ गए, बोले खूबसूरत लड़की को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। मैंने कहा जी खूबसूरत लड़की को अंग्रेजी में आई लव यू कहते हैं। चीनी को, ये चार लाइनें सुनना, विज्ञान के अध्यापक आए, बोले बच्चे का पैदा होना सोशोलॉजी का टॉपिक है कि बायोलॉजी का। मैंने कहा जी बच्चे का चेहरा मोरा माता पिता पे गया हो तो बायोलॉजी का। चीनी को जमा करके फिर से, क्या समझदार लोग हैं साहब, आधे में ही समझ जाते हो। नहीं मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये बड़े शहर है, महानगर है हैदराबाद। महानगरों में अगर आपको सगी पत्नी से सगा पुत्र प्राप्त हो जाए तो ईश्वर की इससे बड़ी रहमत आपके ऊपर हो ही नहीं सकती है। चीनी को जा, और आप लोग जो इतनी देर से मुस्कुरा रहे हो ना, इतनी देर से हंस रहे हो, यही ऊपर वाले का सबसे बड़ा करम है हमारे ऊपर कि सबके चेहरे पर मुस्कुराहटे हैं, सबके चेहरे पर हंसी है। मैं चुटकुले सुनाता हूँ, शायरी सुनाता हूँ, कविताएं सुनाता हूँ, अपने ऊपर हंसाता हूँ। अंजुम रायपुर जी का एक शेर मैं अपने लिए कोट करता हूँ कि अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने, आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए। इतना आसान नहीं खुद का तमाशा करना, कलेजा चाहिए लोगों को हंसाने के लिए। आखिरी चार लाइनें पढ़ता हूँ और आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ बहुत बहुत अंदाजे बयां और को। वो इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे, सर ये वीडियो पूरी दुनिया में जाएगी, वो लोग भी देखेंगे जिन्होंने मुझे आज तक नहीं बुलाया। लेकिन उनको ये पता लगेगा कि आज की तारीख में शंभू शिखर पूरी दुनिया में अगर कहीं पर है तो उसमें सबसे बड़ा रोल अगर किसी का है तो अंदाज़े बयां और के दुबई मुशायरा के उसी मंच का है जिस मंच से मेरी वीडियो पूरी दुनिया में गई। और मैं बहुत टीवी चैनल पर भी मुझसे पूछा इन्होंने, पिछले दिनों मैं तंजानिया गया था तो एक शो में, सर तंजानिया में बड़ा अच्छा हुआ, बाकी सब लोग जो थे ना वो ऑन अराइवल वीज़ा के लाइन में लगे थे, मैं सिटीजनशिप के। ये चार लाइन सुनना, नहीं मैं देखो ये महिलाओं को मैं सच में फिर से एक बार प्रणाम करता हूँ। आप लोगों ने सुना होगा कॉपी पेस्ट, इस कॉपी पेस्ट का आविष्कार हिंदुस्तान में हुआ और हमारी महिलाओं ने किया। वो नीचे वाले होठों पर लिपस्टिक लगाती है, ऊपर पप 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 पप, हो गया कॉपी पेस्ट। चीनी को जमा करके, नहीं अच्छा एक बार देखो, जब इतना बड़ा हमारा मंच है, इतना बड़ा, एक बार सारे लोग हमारी स्पेस एजेंसी इसरो, इसरो के लिए जोरदार तालियां बजाइए। ये तालियां सर इसरो के लिए मैंने इसलिए बजवाई है क्योंकि इसरो से मेरा बचपन का नाता है। जब मैं पहली बार स्कूल गया तो मैडम बोली लड़कियां इसरो में बैठेंगी, लड़के इसरो में बैठेंगे। चीनी को,
चार अंतिम लाइनें सुनाता हूं और आप लोगों से विदा चाहता हूं कि पोशाक पुरानी लिए अभिनव हूं मनाओ, पोशाक पुरानी लिए अभिनव हूं मनाओ, नफरत में भी मैं प्यार का कलरव हूं मनाओ, रोने के लिए और भी महफिल है जहां में, शंभू के साथ हास्य के उत्सव को मनाओ, शंभू के साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, प्रणाम।